प्रभु का वचन कहता कि तुमने वो वाली फेक रिस्पेक्ट के पीछे नहीं भागना है जो तुम्हें दुनिया देती है, जहाँ तुम लेना चाहते हो खुद से, प्रभु मेरी रिस्पेक्ट हो, प्रभु मेरी इज्जत हो। प्रभु ने कहा है कि तुम प्रभु के पीछे भागो। जब तुम खुदा के पीछे, परमेश्वर के पीछे, उसके वचन के पीछे भागोगे तो बाइबल का वायदा है, कहता कि संसार की सारी आशीषें, सब ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर के पास है, जो हेवन में है, स्वर्ग में है, कहता वो तेरे पास होंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम फरीसियों के जैसे मत बनना। क्यों प्रभु ने बार बार ये बातों को बाइबल में बयान किया? तुम फरीसियों के जैसे मत बनना, उन लोगों के जैसे मत बनना जो अपने आप को बताते तो हैं हम धार्मिक हैं, दिखने को वो धार्मिक हैं, बहुत धार्मिकता उनके अंदर, बहुत ज्यादा वो धार्मिकता को दिखाते हैं, लेकिन अंदर उनके कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वचन तो जानते हैं लेकिन वचन अंदर नहीं है। प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रार्थना का असर उनकी लाइफ में नहीं है। ब्लेसिंग्स, आशीषें, उन्हें लगता है संसार की आशीषें बस हमारे पास हैं, तो ठीक है। सबसे बड़ी बात है, क्या परमेश्वर की हुजूरी तेरी लाइफ में है? क्या परमेश्वर तेरी लाइफ में है? क्या तूने परमेश्वर से पहले अपनी बरकतों को पहला स्थान तो नहीं दे दिया? नहीं जी, प्रभु मेरी ब्लेसिंग, प्रभु मेरी आशीषें, प्रभु ये कहता सबसे पहले कौन है? परमेश्वर। और जब तुम उसको प्रथम स्थान देते हो, पहला स्थान परमेश्वर को देते हो, उसे पहले स्थान पर रखते हो, तो बाइबल का वायदा है कि मैं उसकी लाइफ में रहता हूं। कहता अगर तुम मुझ में और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो कहता मैं सर्वदा तेरे साथ रहूंगा, जो तू चाहता है वो तेरी लाइफ में होगा। पहले क्या कहता? अगर तू मुझ में बना रहे, अगर तुम मुझ में है, मेरा वचन तुझ में है, तो कहता जो तू चाहेगा वो हो जाएगा। पर फरीसी क्या करते थे आपको पता? उन्हें ये पसंद था, ओ प्रभु मेरा नाम हो जाए, और लोगों के बीच में जाते मेरा नाम नहीं हुआ, मेरा नाम नहीं लिया गया, मेरा नाम नहीं लिया गया, मुझे ऊंचा नहीं किया गया। और परमेश्वर उस फरीसियों से यह बात कर रहा था। प्रभु ने कहा कि तुम उनके जैसे मत बनना। फरीसी पता कौन है? आज के टाइम में भी हैं बहुत सारे लोग। कौन है? जो प्रभु को भी जानता है, बाइबल को भी जानता है, वचन को भी जानता है, सब कुछ करता है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी वो उन चीजों को समझ नहीं पा रहा है, उन चीजों पर उनके अनुसार नहीं चलता है। बाइबल जानता है, बाइबल में ये लिखा है, प्रभु का वचन ये कहता है, प्रार्थना भी वैसी करता है, लेकिन उन चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो ना करना, मतलब कि वो बंदा फरीसियों जैसी चाल चल रहा है, उसे अपनी ज्यादा फिक्र। आपको पता है बाइबल कहती है कि जब शाऊल गिराया गया, जब शाऊल के बाद दाऊद को चुना गया, तो शाऊल की गलती बहुत बड़ी नहीं थी। आपको पता है? चलो आप मुझे बताओ, दाऊद का पाप बड़ा था या शाऊल का पाप बड़ा था? बोलो, कितनों ने बाइबल पढ़ी? शाऊल का पाप बड़ा था या दाऊद का पाप बड़ा था? दाऊद ने व्यभिचार किया था किसी स्त्री के साथ, लेकिन शाऊल ने तो ऐसा नहीं किया था। पर बाइबल के अकॉर्डिंग कौन दोषी माना गया? बाइबल कहती है शाऊल, क्योंकि उसे दुनिया की परवाह थी, उसे लोगों की, अरे लोग मेरी इज्जत करें, ये करें, फलाना ढमकाना, और इसी वजह के कारण बाइबल कहती है कि शाऊल परमेश्वर की नजर में अयोग्य गिना गया, इसी बात के कारण। और दाऊद को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था, वो उसने पाप तो कर लिया, गलती तो हो गई, गुनाह तो हो गया, लेकिन वो दीन हो गया। उसने नहीं कहा प्रभु मुझे राज चाहिए, मुझे फिर से वो चेयर चाहिए, कुर्सी चाहिए, आगे बैठना, ये करना। उसने कहा प्रभु फिर से मुझे अपना नया और मजबूत आत्मा दे, मजबूत आत्मा, जो मुझसे अलग हो गया है, जो मुझसे दूर हो गया है, वो आत्मा मुझे चाहिए। मुझे तेरे आत्मा की नीड है, मुझे तेरी हजूरी की नीड है, मुझे इन सब बातों की जरूरत नहीं है। और शाऊल का पाप तो छोटा सा था, वो पाप छोटा था, लेकिन क्या हुआ?
जब शमूएल उसके पास आया, शमूएल ने कहा तूने प्रभु की नजर में ये किया है, प्रभु ने कहा था कि भेड़ बकरियां नहीं लेकर आनी उस देश की, तो उसने लाई पता क्यों थी शाऊल ने, कितने सुन रहे हो ध्यान से, शाऊल भेड़ बकरियां पता क्यों लेकर आया था, ताकि वो भेड़ बकरियां मैं खुदा के लिए अर्पित करूं अपने लिए नहीं। फिर भी वो दोषी था क्योंकि प्रभु ने कहा था कुछ भी नहीं लेकर आना है, कुछ भी नहीं ऐसा करना है, और वो लेकर आया। शमूएल उसके पास गया, शमूएल ने कहा मैं ये भेड़ बकरियों की आवाज क्या सुन रहा हूं, उसने कहा ये मैं प्रभु की महिमा के लिए लेकर आया। शमूएल ने कहा नहीं तूने गलत किया और तू प्रभु की नजर में अयोग्य गिना गया है। सोचो आगे अगर वो हम्बल हो जाता तो उसका पाप बड़ा नहीं था, क्षमा हो जाता। उसने आगे से पता क्या क्या, जो लोग मैं आपको बताता हूं फरिसियों की तरह चलते हैं, अपनी इज्जत अपनी रिस्पेक्ट, कौन सी रिस्पेक्ट की वो बात करते हैं मुझे ये नहीं समझ आती। शाऊल ने क्या किया, शाऊल शमूएल को कहता है शमूएल नहीं ठीक है मैं प्रभु की नजर में योग्य गिना गया हूं कोई बात नहीं, पर अब तू मेरे साथ नीचे चल, पूरी प्रजा वेट कर रही है हमारा, और उनके सामने मेरे साथ ऐसा बिहेव करना कि कुछ नहीं हुआ है। कितने समझ पा रहे कि मैं प्रजा के सामने सही नजर आना चाहता हूं, प्रभु की नजर में ठीक है कोई बात नहीं, बस दुनिया के साथ मेरे साथ सही चल, ऐसा ना हो कि वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएं। कितने समझ पा रहे। शाऊल किसकी परवाह कर रहा था, अपनी इज्जत की, मेरी इज्जत मेरी रेपुटेशन मेरा ये मेरा फलाना, कितने समझ पा रहे। और बाइबल कहती वो बंदा प्रभु की नजर में अयोग्य गिना गया सिर्फ इस बात के कारण। और दाऊद आपको पता है दाऊद का, दाऊद ने व्यभिचार किया था, बाइबल कहती वो छत पे टहल रहा था, उसने एक इज्जत हो बाइबल लिखे जब लोग तेनू देखन तो परमेश्वर की महिमा करन अपने घर जाके कि तू परमेश्वर तेरा धन्यवाद तू उन्होंने लोगों खड़ा किया। किन्ने समझ पा रहे हैं, उन्होंने कहते हैं रिस्पेक्ट। और आज के लोग पता क्या चाहते हैं, बस बंदा मेरे मुंह पे इज्जत करे बस ठीक है, बस मुझे ये मिल जाए मुझे वो मिल जाए ये पोजीशन हो जाए वो हो जाए। कितने समझ पा रहे हम इन चीजों में नहीं चल सकते। बाइबल कहती मसीह में जो है वो मसीह में मर गया है, अब तुम जीवित नहीं हुए हो मसीह तुझ में जीवित हुआ है। जब बपतिस्मा लिया था क्या किया गया था, जब आपने डुबकी ली थी तो उसका मतलब ये है कि जब तुम मर गए थे तो पानी के अंदर गए थे, तुम्हारी सारी चीजें पहली खत्म हो चुकी थी और तुमने नई इंसानियत को पहन लिया था। और पौलुस कहता है अगर अभी भी तुझ में वही चीजें हैं, वही डा है वही ईर्का है वही जलसी है वही इज्जत को कमाना है, तो कहता अभी तक तूने अपनी पुरानी इंसानियत को उतारा नहीं। तुम्हें पता है आपको पता है तौबा करने की किसको जरूरत होती है, किसको रिपेंट की जरूरत होती है, पश्चाताप करने की किसको जरूरत, वो बंदे को जो पहली बार आज प्रभु के घर में आया है उसको नहीं, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं तौबा पश्चाताप पाप क्या होता है। कितने समझ पा रहे हो, पश्चाताप तौबा रिपेंट उसे करने की जरूरत है जो पहले से खुदा के वचन पर चलता था, उसे पता है खुदा के बारे में और फिर भी उल्ट पुलट काम कर रहा है। कितने समझ पा, उसे तौबा की जरूरत, उसे पश्चाताप करने की जरूरत। और याद रखना मैं आपको सच कह रहा हूं, जब तुम अपनी इज्जत को ना परवाह करते हुए परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, खुदा को पहला स्थान देंगे, यीशु को अपनी लाइफ में प्रथम रखेंगे, सच कह रहा हूं वो तुम्हें तुम्हारी इतनी इज्जत बढ़ाएगा, इतनी बढ़ाएगा कि पूरे रिश्तेदार आपके आपको धन्य कहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अभी तक आपने इज्जत ऐसे फरीसी पता क्या करते थे, फरीसी ऐसे लोग थे बस बस उन्हें मुंह पर इज्जत चाहिए, हाँ जी ठीक है जी जैम सीधी जी जैम सीधी, उन्हें मुंह पर इज्जत चाहिए थी लेकिन पीठ पीछे कोई उनकी इज्जत नहीं करता था। और परमेश्वर ने कहा तुम ऐसे नहीं बनना, ये चीज सही नहीं है, परमेश्वर को ये चीज पसंद नहीं है। प्रभु ने कहा जब तुम खुदा के घर आया जा किसी दावत में तुम्हें बुलाया गया तो खाली हो जा दीन हो जा नम्र हो जा पीछे रह, जब मैं चाहूंगा मैं तुझे खुद आगे ले आऊंगा। कितने समझ पा रहे आपको पता है इंसान कौन होता है किसी को आगे पीछे करने वाला,
आगे पीछे करने वाला कौन है? परमेश्वर। कितने समझ पा रहे? आपको पता है फरीसी कौन है? ध्यान से सुनना, परमेश्वर को क्यों आज के दिन भी जरूरत पड़ रही है कि ज्यादा गैर मसीह गैर जातियों में से मैन ऑफ गॉड खड़े हो रहे हैं? आपको पता क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ लोग फरीसीपन में चल रहे हैं, अभी भी। क्यों परमेश्वर को जरूरत पड़ी आज के दिन? आज के टाइम पे आप देखो मनुष्य को, परमेश्वर के दासों को, कौन है? 100 में से अगर 80% लोग अब देखोगे, पास्टर देखोगे, तो वो गैर जाति में से होंगे। कितने समझ पा रहे हो? क्यों? आपने कभी ये रीजन नहीं सोचा क्यों प्रभु? क्यों? जो बंदा प्रभु के सामने अपने आप को डाउन कर देता है ना, मर जाता है अपने आप के लिए, प्रभु उसे उठा खड़ा करता है। और जो फरीसियों की तरह चल रहे हैं ना, उन्हें अपनी रेपुटेशन की इज्जत का पड़ा हुआ है, मेरा नाम बन जाए, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मेरे जीवन में वो भी मेरा नाम लेकर मुझे इज्जत दे। कितने समझ पा रहे? वो बंदे प्रभु में कुछ नहीं है, मैं आपको सच बताता हूं, कुछ भी नहीं प्रभु के सामने। वो ब्लेसिंग वो नहीं है कि संसार की बरकतें हमारे पास हैं जी, बड़े हम ब्लेस हैं। ब्लेसिंग वो है कि जब तेरा जीवन बदल जाए और तेरा दिल यीशु के जैसा हो जाए, समझ लेना कि यीशु आ गया तेरे अंदर, यीशु मसीह के नाम है। कितने समझ पा रहे हो? दिल ही बदला नहीं है, आपके पड़ोसी से, आपके भाई से, आपकी बहन से आपका दिल मैच नहीं हो रहा है, और तुम कह रहे हो मैंने प्रभु में उधार पा ली है, मैंने प्रभु में मुक्ति पा ली। नो, तुम तो संसार से जीत नहीं पाए हो, स्वर्ग तो बहुत बड़ी बात है कि स्वर्ग जाना, कि स्वर्ग तो बहुत बड़ी बात है। स्वर्ग ऐसे खाला जी का वाड़ा थोड़ी है, अरे मेरा नहीं नाम बोला गया। कितने समझ पा रहे? स्वर्ग ऐसा नहीं, पर याद रखना प्रभु के सामने दीन हो जाना, हम्बल हो जाना। जब तुम खुदा को अपना प्रथम स्थान, अपना पहला स्थान यीशु मसीह को दे दोगे, वो तुम्हें अपना पहला स्थान देगा, वो तुम्हें आगे रखेगा दुनिया के लोगों के, रिश्तेदारों के। ये वाली इज्जत नहीं कि तुम्हें डर कर इज्जत कर रहे हैं तुम्हारी, ठीक है जी, जेम्सी जेम्सी, और पीठ पीछे कह रहे हैं अरे इस बंदे को तो बुलाना भी नहीं चाहिए। ये क्या इज्जत? ये रिस्पेक्ट है, बोलो, इसे कहते हैं इज्जत? नो, इज्जत उसे कहते हैं जब तू खुदा के लिए काम कर रहा है और कोई तीसरा बंदा भी तेरे लिए अच्छी बात कर रहा है और खुदा की महिमा कर रहा है, उसे कहते हैं रिस्पेक्ट, कि परमेश्वर की ओर से। और जब तुम अपनी ओर से लेने की कोशिश करते हो, तुम नहीं प्राप्त कर सकते। बाइबल कहती है ना तो बल से, ना तो लड़के, ना तो झगड़ के, ना तो जोर से, ना तो ताकत से, ये काम नहीं होने वाले। अगर होंगे, हम्बल हो जाओ खुदा के सामने, वो ऊंचा कर देगा, वो टॉप पर ले जाएगा। तुम मूर्ख क्यों नहीं हो, तुष्ट क्यों नहीं हो, बेकार क्यों नहीं हो, वो ऐसा बनाएगा तुम्हें कि लोग तुमसे बात करना पसंद करेंगे, लोग तुमसे मिलना पसंद करेंगे, लोग तेरे साथ बैठना पसंद करेंगे। कितने समझ पा रहे हैं? और जिस दिन ये बातें होनी शुरू हो जाए, समझ लेना मैं मर गया हूं और यीशु मेरे अंदर पैदा हो चुका है। अब मैं नहीं हूं, अब यीशु है। कितने समझ पा रहे हो? प्रभु ने कहा उन फरीसियों के जैसे मत बनना जो रास्तों में सलाम लेना पसंद करते हैं, जो राह गली जाते हुए कोई कहे हो जाए, ओ जी तू प्रधान है जी, बस ठीक है। प्रभु कहता ऐसे नहीं, रिस्पेक्ट लेनी, मैं तेरी इज्जत बढ़ाऊंगा। इज्जत बढ़ाने वाला कौन है? खुदावंद यीशु। कितने समझ पा रहे? कौन बढ़ाने वाला है? कितने समझ पा रहे? इज्जत को कौन बढ़ाता है? परमेश्वर। ऊंचा कौन करता है? परमेश्वर। ब्लेस कौन करता है? परमेश्वर। कहता है बाइबल में साफ लिखा हुआ है, साफ पढ़ लेना, कहता नम्र होने से पहले ऊंचाई आती। जब बंदे ने ऊंचा होना होता है ना, जब समझ लो कि बंदे ने बढ़ना होता है, समझ ले नम्र होगा, पूरा नम्र, हर किसी की बात को सुनने वाला, ठीक है जी, ठीक है। और बाइबल कहती गिरने से पहले पता क्या आता है? घमंड।
उसकी बातें, उसका उठना बैठना, उसका चलना, उसका लोगों के साथ व्यवहार, कितने समझ पा रहे? घमंड भरी चीजें हो जाती। और जब ये चीजें नजर आए, समझ लेना कि गिरना तय, फाइनल। क्योंकि घमंड के कारण शैतान ने स्वर्ग में व्यभिचार थोड़ी किया था, उसने किसी स्त्री के साथ पाप थोड़ी किया था कि जी शैतान ने व्यभिचार कर लिया और खुदा ने नीचे फेंक, उसने घमंड किया था। अरे मैं जो हूं मैं हूं, मेरा स्वर्ग, मेरा ये, मेरा वो, कितने समझ पा रहे? बहुत सारे लोगों को पीछे लगा लिया। 33 मान लो, अगर 100 करोड़ दूत हैं तो 33 करोड़ दूत शैतान के पीछे थे। मैं आपको पिछले संडे भी एक चीज बता रहा था कि सोचो वो दूत खुदा के सामने थे फिर भी भरमा लिया गया, उसने घमंड किया था। अरे मैं जो हूं मैं हूं, मेरा स्वर्ग, मेरा ये, मेरा वो, कितने समझ पा रहे? बहुत सारे लोगों को पीछे लगा लिया। 33 मान लो, अगर 100 करोड़ दूत हैं तो 33 करोड़ दूत शैतान के पीछे थे। मैं आपको पिछले संडे भी एक चीज बता रहा था कि सोचो वो दूत खुदा के सामने थे फिर भी भरमा लिया गया। शैतान इतना खतरनाक है वो, कितने समझ पा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है शैतान भूत है, वो डराने वाला है, वो इधरों सिंह निकले होने हैं, इदां है जिदा वह टीवी च देख? नो, वो बहुत सोहना है, तुम्हें पता, इसलिए वो अट्रैक्ट कर लेंदा है जवान, यंग, बूढ़ा, सबनों। किन्ने समझ पा रहे हैं? बाइबल च लिखिया अपनी लाइफ च कुछ भी करना, लेकिन इन्हां चीजां नूं अपनी लाइफ च स्थान नहीं देना कि तू कमंड करें। हंबल रहना, दीन रहना, दीन रहना सिखना, क्योंकि तेरी दीनता ने तेनूं अगे लैके जाना है। संसार च पैसा ही सब कुछ नहीं है, गल याद रखना। ठीक है पैसे दी बरकत जरूरी है, पैसा होना जरूरी है, लेकिन तुम पैसे पर घमंड कर रहे हो, इसका मतलब ये मूर्खता है, ये बड़ी मूर्खता है। हालेलुया, तुम उस पर घमंड कर रहे हो, किस चीज पर? जो नाशवान वस्तु है। और प्रभु ने कहा मुझसे प्रथम तुम किसी चीज को ना लेना, मेरे से ज्यादा तुम किसी चीज को पहल ना देना, सबसे ज्यादा तू मेरे करीब रहना। जब तुम मेरे करीब रहेगा, कोई चीज तेरे सिर पर हावी नहीं हो सकती। पौलुस कहता जो चीज मेरे सिर पर हावी होने की कोशिश करती मैं उसे पांव नीचे रौंद देता हूं। एक दिन उसको आए, एक गांव में वो चले गए, सब लोगों ने उठाए, हार हूर पहना रहे, पौलुस पत्रस उन्होंने देखा कि ये क्यों हो रहा है, उन्होंने अपने कपड़े फाड़े। क्यों? उन्होंने सोचा कि सानू परमेश्वर तो ज्यादा इज्जत दे रहे, और आप परमेश्वर तो ज्यादा इज्जत नहीं लेनी, अपने आप नु उन्होंने जीरो करता, कपड़े नु फाड़ लिया। क्यों? कहता नहीं, परमेश्वर ही सब कुछ, परमेश्वर ही महान। लोकी सारी बाइबल पढ़ते हैं, पता केड़ी पढ़ते? मैं तुम्हें दस दाँ, ओ वाली पढ़ते जेडे सिर्फ वचन उन्ना लिया, बरकत बरकत, आशीष आशीष, ऊंचा होना, किन्ने समझ पा रहे? तो बाकी किन्ने पढ़नी है? बोलो, ये वचन तो तुम पूरे कर रहे हो, चर्च जा रहे हैं, बरकत आई जा रही है, तो बाकी वचन किन्ने पूरे करने? बाइबल तो कहती जो मसीह में वो फू फू नहीं करता है। बाइबल कहती है जिसके अंदर मसीह का आत्मा है, जिसके अंदर प्रेम है, उसे ईर्खा, जेलसी, विरोध, गुस्सा, उसे फर्क ही नहीं पड़ता है। और अभी भी ये चीजें अगर हमारे अंदर हैं, तो सोचो यीशु मसीह है यहां पे नजर आ रहा है? बोलो, अगर किसी के बंदे का मन ही, दिल, सबसे पहली बात यीशु मसीह कौन, क्या धर्म बदलने आया, वो जात बदलने आया? नो, वो दिल बदलने आया था। दिल अगर दिल भी वही रखा है तो फिर तो अभी तक बदला ही कुछ नहीं, कुछ नहीं बदला है, सिर्फ वैसे ही चल रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए फेक चीजें कर रहे हैं। क्या मतलब, क्या है ये चीजें? कितने समझ पा रहे हो? प्रभु ने कहा मेरे सामने दीन हो, हम्बल हो, मैं ऊंचा कर दूंगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपको इतना ऊंचा करेगा ना, जितने लोगों ने आपको डाउन करने की कोशिश की है, ये भविष्यवाणी आपके लिए, आपको ऊंचा देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक दो गुना नहीं, तुम 7 गुना ऊंचे।
उन्होंने कहा तुम यहां दुनिया में अपनी इज्जत की परवाह मत करना, स्वर्ग में मैं तुझे दुगनी इज्जत दूंगा, बड़ी दूंगा, दुनिया में स्वर्ग में ऊंचा करूंगा, टॉप पर रखूंगा। तो आज मैंने एक बात का, इन दिनों में एक बात मैंने सीखी है, लोगों का ध्यान यीशु की ओर नहीं है, लोगों का ध्यान पता किसकी ओर है? अपनी इज्जत की ओर, अपनी ओर। वो अपने लिए जी रहे हैं, यीशु मसीह के लिए नहीं। उनका घर चल रहा है अपने लिए, आशीषें ले रहे हैं अपने लिए, काम कर रहे हैं अपने लिए, तो यीशु मसीह को क्या, कहां है यीशु मसीह? ना उनके स्वभाव में यीशु मसीह नजर आता है, ना उनके दिखने में, ना उनकी चाल चलन में, ना उनकी बातों से यीशु मसीह नजर आता है। प्रभु ने तो कहा है कि तुझ में वो नजर आना चाहिए, तुझ में तो मैं नजर आना चाहिए। और अगर यीशु मसीह आपके अंदर नजर नहीं आ रहा है, अगर यीशु मसीह आपके अंदर से नजर नहीं आ रहा, दीन हम्बल रहना, दुनिया में पैसा मंड मत करना। शैतान ने तो अय्यूब की चरा ली थी, तो वो किस खेत की मूली? कितने समझ पा रहे हैं? अय्यूब को नहीं बख्शा, कितने समझ पा रहे हैं? अजी मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं। अरे सब कुछ यीशु है, सब कुछ परमेश्वर है, उसका आत्मा है, वो जिसको चाहे आगे कर दे, जिसको चाहे और ऊंचा कर दे, जिस पर दया करना चाहे उस पर कर दे, ये उसके हाथ में है। बस तुम उसकी दया के सामने टिके रहो, बने रहो। कहता जो अंत तक विश्वास में मजबूत होगा वो बचाया जाएगा। बाइबल कहती है ना, अंत में बहुत सारे लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा, ये अंत ही है। प्यार कैसे ठंडा पड़ना है? मसीहों का मसीहों के साथ ही, प्रभु के लोगों का प्रभु के लोगों के साथ ही। कहता प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, पर कहता जो अंत तक टिका रहेगा, जो अंत तक फेथ में रहेगा, जो अंत तक विश्वास योग्य बने रहे बना रहेगा, कहता वो मेरे साथ स्वर्ग में होगा यीशु मसीह के नाम में। कितने समझ पा रहे हो? इसलिए प्रभु को अपना पहला स्थान दो, अपनी इज्जत के लिए जीना खत्म करो। कुछ नहीं है, परमेश्वर ही है सब कुछ, उसकी दया ही है सब कुछ, वही बढ़ाता है, बाइबल कहती है वही ऊंचा करता है, वही अनुग्रह करता है, तो किसी बात का घमंड नहीं। सब चीजें तो परमेश्वर की, हम किसी बात का बोलो घमंड कर सकते हैं? कहता अगर करना ही है ठीक है, तो इस बात के कारण कर कि तू मुझे जानता है, तू मुझे समझता है। कितने समझ पा रहे? कहता दुनिया की किसी वस्तु पर घमंड मत करना, कोई भी हो वो, कोई तेरी प्रेयर लाइफ क्यों ना हो उस पे भी घमंड मत करना। करना है तो मुझ पर करना, कि मेरी दया तुझ पर बहुत आए थे। तो आज लोग घमंड उसी वचन का फायदा उल्ट उठा रहे हैं। अरे घमंड करना है तो ये करो, बरकतों का करो, आशीषों का करो, खुदा के साथ चलना, खुदा के साथ अपना। अरे आपके चलने से पता चले, आपके उठने से पता चले तुम मसीह में हो, तुम्हारे रिश्तेदारों को पता चले तुम मसीह में हो, तुम्हारे पड़ोसी जो तुम्हारे साथ रहता है उसे पता चले कि तुम मसीह में हो। बाइबल में पता क्या लिखा है? ये वचन भी पढ़ना घर जाकर, मत्ती की अंजील में प्रभु ने कहा जो अपने भरा दे विरुद्ध कुड़कुड़ाता है, वो सके भरा दे उन्हूं कुछ कहता है, कहता वो शराप दे लायक आ। कितने समझ पा रहे? ये बाइबल कभी पढ़ी नहीं, बस पढ़िया वो है ना जितने जितने बरकत है उन्ना की पढ़िया बस सदिया है। किन्ने समझ पा रहे हैं? प्रभु ने कहा जो पूरी शराब को तो मान रहा है, पूरी चीजों को कर रहा है, पर एक भी वचन छोड़ रहा है, इसका मतलब तू सारे चीजों पर मिट्टी फेर रहा है। ये भी बाइबल में लिखा है रोमियों में। कितने समझ पा रहे हैं? पर याद रखना मसीह में दीन ही रहना। कहता शिरोमणी वही बंदा बनता है जो आज जीरो है, जो आज खाली है, जो आज मरा हुआ व्यक्ति है, वो श्रोमणी बनता है। एक टाइम आता है उसका, अगर तुम सब प्रभु में हो तो ये बात मैं पहले भी बहुत कहता था कि किसी को कम मत समझो। अरे जी नहीं, मैं तो ज्यादा धर्मी हूं, ये तो पापी है, ये तो ऐं करता है औं करता है। कितने समझ पा रहे? हो सकता है वो तुझसे पहले स्वर्ग में पहुंच जाए।
हालेलुया, कितने समझ पा रहे हैं? वो तेरे से पहले स्वर्ग में हो, क्यों? क्या पता वो किस दिन तौबा कर ले। तेरी तौबा की तो पता चल रहा है कि तू अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, और जिसको तू बोल रहा है हो सकता वो एक ही दिन में रिपेंट कर ले और इतना प्रभु में बढ़ जाए जितना तू आज तक नहीं बढ़ा। कितने समझ पा रहे? तो प्रभु को पहला स्थान दो, परमेश्वर खुदा को, वही सब कुछ है, वही जीवित परमेश्वर है, वही दया करने वाला है, वही एक बंदे को खाक में से उठाता है। दाऊद को उसने उठाया, पौलुस को उसने उठाया, पतरस को उसने चुना, मछली पकड़ने वाला बंदा प्रभु ने मनुष्यों का शिकारी बना दिया। कितने आप समझ पा रहे? आज बनना तो सारे पतरस चाहते हैं, बनना तो सारे पौलुस चाहते हैं, पर वचन नहीं वो मानना चाहते, स्वभाव नहीं चेंज करना चाहते, दिल नहीं बदलना चाहते, नहीं जी ऐसी तो इदा ही हाँ। कितने समझ पा रहे? जिस दिन तेरे पड़ोसी को तुझमें यीशु मसीह नजर नहीं ना आया, जब तक उसे नहीं नजर आया समझ लेना तब तक यीशु आया ही नहीं है तेरे अंदर। कितने समझ पा रहे? सबसे पहले अच्छी ठंडी हवा उसी को मिलनी चाहिए जिसके नीचे वो रह रहा है। प्रभु ने आपको पेड़ तो बना दिया, अच्छा फल तो लग गया, अब जो बंदा तेरे पास रह रहा है वही फल को देखेगा ये अच्छा है कि नहीं है। दुनिया की नजर में आप कितने भी धर्मी बन सकते, जो बंदा मान लो आपको नहीं जानता, दूर से इधर से उधर से वो आपके पास आएगा, आपको देखेगा तुम बहुत धर्मी हो, आपकी बातों से उसे लगेगा। पर अगर वो आपके साथ रहना शुरू कर दे, थोड़े ही दिनों में वो कानों को हाथ लगा लेगा कि ये बहुत ज्यादा ही धर्मी। कितने समझ पा रहे हैं? इसके ज्यादा तो धर्मी है ही नहीं कोई। हालेलुया, परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता, और नाम मेरा खुदा ऐसा है, वो ऐसा नहीं है, सच में नहीं है, वो फेक परमेश्वर है ही नहीं, वो एक ही है, उसका नाम है यीशु, और उसका आत्मा भी एक ही है। हालेलुया, और उसने अपना आत्मा क्यों दिया हमें? कि हम यीशु के जैसे बन सकें। कितने समझ पा रहे हो? सब वही नहीं है कि चर्च में आकर तुझे आत्मा शूर आए, चर्च में आकर तुझे बरकतें मिल रही हैं और यीशु तेरे साथ है। नो, ऐसे लोग भी कई बार धोखे में होते हैं। जब तक यीशु की हजूरी तेरे मन में नहीं है तब तक यीशु नहीं। हजूरी, प्रेजेंस, मन परिवर्तित होना, दिल यीशु के जैसा होना। अगर दिल यीशु के जैसा है, स्वभाव यीशु के जैसा है, मन यीशु के जैसा है, तो समझ लेना कि यीशु तेरे पास है, तेरे अंदर है, तेरे करीब है, और जब तू लोगों को मिलेगा वो लोग भी बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, कितने समझ पा रहे? थक तो नहीं गए हो? अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। हालेलुया, आपको पता परमेश्वर को कौन से लोग पसंद हैं? जो हम्बल हैं, जो अंदर बाहर एक ही जैसे हैं, बस दिल उनका दीन है, बस दीन है, प्यार है, बस प्यार है, दोगले नहीं है वो। ये जहां कहीं ईर्ष्या कर रहे हैं, जहां जेलसी कर रहे हैं, मुंह पे कुछ और है, पीठ पे कुछ, वो बंदे नहीं प्रभु को पसंद। अरे तुम प्रभु के साथ उसके जो लोग बनाए उसने तुम्हें दिए हैं, तेरे पड़ोसी, तेरे भाई बंधु, तेरे बहन, तू उसके साथ नहीं सही चल रहा। तो यीशु कहता मैं तो स्वर्ग में हूं, मुझे तो तूने देखा भी नहीं है, तो मेरे साथ कैसे सही चल जाएगा। कहता जो लोग मैंने तुम्हें दिए, प्यार करने वाले लोग दिए, उनके साथ तो तेरा सिस्टम सही नहीं है, अपने आप को तू आगे करना चाहता है। ये वचन आपको पता सबके लिए, किसी एक बंदे के लिए नहीं है। जो तुम मसीह में आकर कोशिश करते हो प्रभु ये मिल जाए, ये मिल जाए, बाइबल कहती तुम मसीह को साइड पे कर रहे हो, अपनी चीजों को आगे रख रहे हो, एक दिन वो भी खोल लोगे, खोई जाएंगी वो भी चीजें, क्योंकि तुम्हें यीशु से पहले कुछ और चाहिए, परमेश्वर से पहले तुम्हें कुछ और चाहिए, तुम्हें तो परमेश्वर चाहिए ही नहीं। आपका दिल याद रखना, दिल से आप पहचाने जाते हो तुम कैसे व्यक्ति, प्रार्थना से नहीं।
बाइबल रीडिंग से नहीं। बाइबल का शैतान को भी बहुत पता है पर उसका दिल सही नहीं है। बस कितने समझ पा रहे हैं? सारी बातें कहां पर टिकती हैं? मन पर। कहता मन परिवर्तन कर। प्रभु ने कहा मैंने मन के अनुसार ढूंढ लिया है। प्रभु ने कहा तुझ में मसीह जैसा मन हो। हर बात में मन की बात आ रही। क्यों? क्योंकि यीशु जैसा तुम्हारे अंदर मन होगा तो तुम यीशु जैसे नजर आओगे। तुम्हारे अंदर मसीह चलता फिरता नजर आएगा। तुम जहां जाओगे लोग तुम्हें देखेंगे और बरकत पाएंगे। अब्राहम क्यों इतना आशीषित था आपको पता है? उसका मन यीशु जैसा था। डैनियल इतना ब्लेस क्यों व्यक्ति क्यों था? क्योंकि उसका मन यीशु जैसा था। प्रेयर नहीं, मन। सदरक मेशक अब्देनगो क्यों बचाए गए आग में से? क्योंकि उनका मन मसीह के साथ था। वो अंदर से बदले हुए व्यक्ति, बाहर से नहीं। बाहर से कोई भी धर्मी बन सकता है आपको पता है। इसलिए तो प्रभु ने कहा बाहर से धर्मी फरीसियों की तरह मत बनो कि चर्च में जा रहे हो दूत हैं जी बहुत दूत हैं, घर जाते हैं तुम भूत हो, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें कितने समझ पा रहे। दुनिया में दूत बनने की कोई जरूरत नहीं। पहले मन चेंज करना, स्वभाव चेंज करना। जब बपतिस्मा लिया था आपको पता है सबने बपतिस्मा लिया है, और जब आपको बपतिस्मा दिया गया था किसके नाम पर? यीशु मसीह के नाम पर। और क्या बोला गया था? आज के द्वारा जो तुम मर जी मतलब पानी में जा रहा है तो तुम मर गया है, और अब बाहर आएगा तो तू पहला जीवन नहीं, अब नया जीवन प्राप्त किया हुआ व्यक्ति। अब तेरे अंदर नया मन होगा, नई चीजें होंगी, और ये चीज साबित करके दिखाना परमेश्वर को। अब परमेश्वर ने कुछ नहीं करना है, बपतिस्मा लेने के बाद सारा काम तेरा है कि तूने कैसे बढ़ना है, तूने मसीह को कैसे पाना है, तूने आशीषों को कैसे पाना है, तूने पवित्र आत्मा में कैसे बढ़ना है। अब ये तेरा काम है, अब मेरा काम नहीं है। हालेलुया। तो फरीसियों की तरह अपनी इज्जत के पीछे मत पड़े रहो। मेरी इज्जत, मेरी रेपुटेशन, मेरा ये, मेरा वो, मैं फलाना, मैं ढमकाना। कितने समझ पा रहे हैं? प्रभु के सामने सब जीरो हैं आपको पता है। प्रभु के सामने कोई कुछ नहीं। और प्रभु ने कहा जो दीन हो जाता है मेरे सामने, पांव पर गिर जाता है, खुदा के सामने हम्बल हो जाता है, कहता मैं उसे उठा खड़ा करता हूं, उसे मैं ऊंचा भी कर देता हूं। बस बात यह है कि तुम्हारे अंदर मन जो है ना वो मसीह का हो, तेरे अंदर जो स्वभाव हो वो मसीह का हो। स्वभाव मसीह जैसा, मन मसीह जैसा। अगर मन आपका मसीह जैसा है तुम पता क्या करोगे? मान लो तुम किसी के घर भी जा रहे हो, उसके घर में बरकत नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, आशीष नहीं है, बेकार है, बीमार है, नशे में, तेरे जाने के कारण वो लोग आशीषित हो जाएंगे, वो लोग बरकत पाएंगे यीशु के नाम। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ क्यों मेरे साथ रहते हैं। मान लो चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, चर्च के बाहर क्यों? क्योंकि मन के लिए, कि आपका मन जो है ना वो अच्छा है, आपका स्वभाव सही है। आपके स्वभाव से पता चलता है तुम मसीह में कितने का पानी में हो, कितने समझ पा रहे। जब आपका स्वभाव सही होता है, आपकी फैमिली में अच्छा होता है, फैमिली में आपकी पूरी इज्जत है, पड़ोसियों में इज्जत है, पूरे गांव में इज्जत है, फिर समझ सकते हैं कि मसीह तुझ में है, यीशु है, सच में यीशु है। इसलिए तो लोग सब देख रहे हैं तुझ में कुछ अलग है।